गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास सेवन। आज मैं आपको कोशिकांगों के बारे में बता रहा हूँ। कोशिकांग चल रहा जो है चर्चा चल रहा है कोशिका का, आपको माइटोकांड्रिया के बारे में बताया गया है। आज हम स्पेशल राइबोसोम के बारे में बताएंगे। राइबोसोम अभी तक हमने जो बताया कि सभी जो कोशिकांग होते हैं वो एक झिल्ली के द्वारा यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा बने हुए होते हैं, लेकिन राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो मेम्ब्रेन लेस होता है, अर्थात इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। ये इसमें अधिकतर लगभग 30% से अधिक राइबोसुगर अर्थात आरएनए पाया जाता है। इसकी खोज जो है फैलाने नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हम फैलाने मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो दो प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम पाए जाते हैं और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम पाए जाते हैं। दो प्रकार के हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब 70S क्या है, 80S क्या है? यस का मतलब स्वैडबर्ग कांस्टेंट है या स्वैडबर्ग नियतांक है, या इसे हम सेडिमेंटेशन पॉइंट कहते हैं। कोशिका के राइबोसोम को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में रख करके घुमाया जाता है, तो जिस चक्कर में जितने चक्कर में जो बैठ जाते हैं नीचे तलछटी में वो सेडिमेंटेशन पॉइंट होता है, इसी को हम स्वैडबर्ग नियतांक कहते हैं। तो 80S राइबोसोम और 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं और 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इस तरह से 70S में दो यूनिट सब यूनिट होती है, छोटी यूनिट को हम 30S सब यूनिट कहते हैं और बड़ी यूनिट को 50 सब यूनिट कहते हैं। और तो दोनों यूनिट एक आयन द्वारा जुड़े हुए होते हैं जिसे हम मैग्नीशियम आयन यानी यंगी आयन कहते हैं। जो 80S राइबोसोम होता है उसकी छोटी यूनिट 40S सब यूनिट की होती है और बड़ी यूनिट 60 सब यूनिट की होती है। तो इस तरह से दो प्रकार के राइबोसोम कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम की छोटी यूनिट 40 सब यूनिट की होती है, बड़ी यूनिट 60 की होती है और यस यानी 70S प्रकार के राइबोसोम में 30 सब यूनिट छोटी यूनिट होती है और 50 सब यूनिट बड़ी यूनिट होती है। 70S प्रकार के राइबोसोम बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, जबकि 80S प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एक बार दो बार पढ़ के आप लिख सकते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें तो राइबोसोम या स्थान की बात करें, पहले तो ये कोशिका द्रव्य में फ्री यानी स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपकी हुई अवस्था में भी पाए जाते हैं। कार्य की बात करें तो कार्य इनका काम प्रोटीन संश्लेषण करना, आप जानते हैं प्रोटीन सारे तमाम अमीनो एसिड को सामूहिक रूप से जोड़ना ये संश्लेषण कहलाता है, यानी कि प्रोटीन के जो मोनोमर हैं उनको पॉलीमर में बदलने की प्रक्रिया को हम प्रोटीन संश्लेषण कहते हैं। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री
कहा जाता है। ऐसे हम कोशिकाओं के बारे में बताते रहेंगे और उनके उपनाम के बारे में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।